वी द पीपल, हम भारत के लोग, खुला मंच, खुली बात, शाम 8 बजे रोज जूम पर होती है। आप वी द पीपल के किसी भी ग्रुप से लिंक ले सकते हैं, 50 दिन तक एक ही लिंक रहता है। अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग बात होती है, मगर सारी बातों का जो सार है वो निकल के आता है कि हमको जुड़ना है और जोड़ना है, इसके बिना सारी बात बेकार है। कोई व्यक्ति यहाँ जब पहली बार आता है तो वो जो अपने घर में बैठकर सोच में डूबकर जो बात निकालता है, रिजल्ट निकालता है और जिसको वो सही मानता है अपनी बात को, उसको यहाँ आकर कहता है, उसके अनुसार उसको टाइम मिलता है। शॉर्ट में बात कहने के लिए बोला जाता है क्योंकि अधिकतर लोग जानकार यहाँ आते हैं, तो जब वो अपनी बात कह लेता है तो उससे हम एक प्रश्न पूछते हैं, आपने जो बात कही है क्या उसके लिए आपको कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? तो वो कहता है जी कि लोगों के बिना तो ये बात होगी नहीं, यानी कि यह जितने भी लोग आज तक आए हैं सबने इस बात को माना है कि जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक जो विचार उसने दिया है या जो विचार वो सोचता है या जो बात वो करता है, अधिकतर लोगों का जो विचार आता है वो कॉमन है। कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा, प्रोफेसर होगा, डॉक्टर होगा, एजुकेशनिस्ट होगा, तो उसका जो ध्यान है, जो रुझान है, वो इसी बात में जाता है कि सारे लोग पढ़ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, यानी वो ये मानता है कि सबको बड़ी बड़ी डिग्री मिल जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मानने के बाद वो कहता है कि यूनिवर्सिटी खोलो, यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, आप ऐसा करो, आपको ऐसा करना चाहिए। तो हम उसको कहते हैं कि आपका ये रुझान है, आपका ये विचार है, तो आपको ही इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्रियान्वित करना चाहिए, इसको अमल में लाना चाहिए। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और अगली बार वो दिखाई नहीं देता। कोई व्यक्ति आता है तो वो कहता है कि सारे तालों की जो चाबी है वो राजनीति है और सबको राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए। तो हम उससे कहते हैं कि कितने लोगों ने ताले चाबी लगाए, कितने लोगों ने ताले चाबी खोले, कितनी सारी पार्टियां बन गई हैं, बहुजनों के पहले से ही जातियों के संगठन हैं, फिर ये राजनीतिक भी संगठन जातियों की तरह हो गए हैं, आप कैसे कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट में या समण समाज में, SC ST OBC में जो हजारों की संख्या में, दसियों हजार, पचासियों हजार जो पॉलिटिकल ग्रुप्स बने हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं जिनके कोई नाम भी नहीं जानता, अगर उनके नाम इकट्ठे करने बैठेगा तो उसकी उम्र निकल जाएगी, वो नाम ख़त्म नहीं होंगे, उनसे कैसे रिजल्ट आ जाएगा? बहुत चालाक व्यक्ति अगर होता है तो वो कहता है कि संविधान में आज़ादी है, और वो कहाँ बात को लेके जाता है, वो ये कहता है कि अगर 3% जिनको वमण बोलते हैं, अगर उनकी इतनी सारी पार्टियां हो सकती हैं तो हमारी क्यों नहीं हो सकती हैं। वो ये भूल जाता है कि वो 3% लोगों ने आप सबको इकट्ठा करके पार्टी बनाई है जिससे वो विजय प्राप्त करते हैं, और आप सब इतने सारे लोग इकट्ठे होकर एक पार्टी नहीं बना पाए, इसलिए आप हारते हैं। वो फिर संविधान में अपनी राइट्स की बात करता रहता है, मगर वो ये भूल जाता है कि बाबा साहब ने सभी को ऑर्गेनाइज होने के लिए बोला है, और ऑर्गेनाइज का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पार्टियां अलग अलग हों, ऑर्गेनाइज का मतलब है कि एक जगह एक सेंटर में इकट्ठा होना है। इस बात पर वो बिखर जाता है और मैदान छोड़कर भाग जाता है। किसी का रुझान अगर सामाजिक बदलाव में है, सांस्कृतिक बदलाव में है, कल्चरल रिवोल्यूशन में है, तो वो कहता है कि हमको सांस्कृतिक काम करना चाहिए, कल्चरल बदलाव करना चाहिए, जो हमारा दैनिक क्रियाक्रम है उसको हम ठीक करना चाहिए, और हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, बाकी किसी काम में नहीं जाना चाहिए, सांस्कृतिक बदलाव ही सब बदलाव की जड़ है
और वो उसकी पूरी एडवोकेसी करता है और पूरी वकालत करता है। जब हम इस मंच पे उससे पूछते हैं कि सांस्कृतिक बदलाव आप कितने सारे संगठन अलग अलग करोगे, तो वो दाएं बाएं देखने लगता है, क्योंकि सांस्कृतिक बदलाव आप करने की बात कर रहे हो और सांस्कृतिक बदलाव के आपने लाखों सेंटर खोल दिए और सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं और सब अपने अपने सेंटर बना के बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो सांस्कृतिक बदलाव जो कल्चरल रिवोल्यूशन है वो आपकी कल्चर में आना चाहिए, आपकी संस्कृति में आना चाहिए, आपकी संस्कृति में आना चाहिए। आपकी ये जो अलग अलग रहने की जो संस्कृति है, संस्कृति है, जो कल्चर है, ये कल्चर समण समाज की नहीं है। समण समाज की एक ही संस्कृति है और एक ही कल्चर है और एक ही संघ है। तो आप कैसे सांस्कृतिक बदलाव करोगे, कैसे कल्चरल रिवोल्यूशन करोगे, जब आप खुद ही टुकड़ों में बटे हुए हो और ऊपर से ये कहते हो कि इकट्ठा हो जाओ। तो आपकी समझ के लिए तरस आता है कि आप लोगों को समझाते हो, मगर आप तो इतने ना समझ हो, या अगर मीठे शब्दों में कहूँ कि आप तो मूर्ख हो कि आप इकट्ठा होने की बात करते हो और खुद इकट्ठा नहीं होते। ये कैसी संस्कृति है, ये कैसी कल्चर है, ये कैसा आपका रोज़मर्रा का जीवन है? तो वो लोग दोबारा पलट कर नहीं देखते विदा पेपर की तरफ, क्योंकि उनको आईना दिखाया जाता है। कुछ लोग जो समझदार हैं वो रुक जाते हैं, वो ठहर जाते हैं कि बात ठीक कह रहे हैं, मगर जो ना समझ हैं, जो मूर्ख हैं और जो नेता हैं, जो खुद भी मरने पे तुले हुए और हमें भी मरवाने पे तुले हुए हैं, क्योंकि अगर हम मर जाएंगे तो वो मर जाएंगे, वो इस बात को समझ कर भी नहीं समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोग तो मूर्ख हैं, पब्लिक तो मूर्ख है, और पब्लिक को जो उन्होंने कह रखा है कि एक नेता तो होना ही चाहिए, तो उस झांसे में आ जाएंगे। विद द पीपल जब ये कहता है कि नेता की आवश्यकता ही नहीं है, तो बहुत सारे नेताओं को परेशानी होती है, तकलीफ होती है। किसी का रुझान हो सकता है जो ये कह सकता है कि आर्थिक आज़ादी होगी, आर्थिक आज़ादी में हम पीछे रह गए, पैसों में, लेन देन में, व्यापार में, बिजनेस में हम बहुत पीछे रह गए, तो वो काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम जब उससे पूछते हैं क्या आर्थिक व्यापार या बिजनेस अकेले ही कर लोगे, क्या ग्राहकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी सामान खरीदने के लिए और बनाने के लिए और बेचने के लिए, तो वो कहते हैं कि लोगों के बिना तो बाज़ार होता नहीं है। तो जब बाज़ार ही हम हैं और उत्पादक ही हम हैं, जब फैक्ट्रियों में काम ही हम करते हैं और जब दुकान पर मजदूरी ही हम करते हैं, तो एक ही काम तो नहीं करते हम दुकान पर मालिक का काम नहीं करते, मैनेजर का काम नहीं करते, मालिक नहीं हम, बाकी सब हैं, हम लेबर भी हैं, हम पैदा करने वाले भी हैं, हम बनाने वाले भी हैं। तो अगर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो मालिक अकेला क्या करेगा? जब हम उनको ऐसा बोलते हैं तो वो दाएं बाएं देखते हैं, मना तो नहीं कर पाते, मगर वो थोड़ा झेपते हैं, थोड़ा शर्माते हैं। फिर हम उनसे कहते हैं कि आप पहले लोगों को इकट्ठा करिए, अपने बाजार को, अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को इकट्ठा कीजिए। अब इकट्ठा करने का काम मुश्किल है और ऐसे सपने झूठे दिखाने का काम आसान है, तो वो लोग पलट कर नहीं आते, भाग जाते हैं, मगर कुछ समझदार लोग ठहर जाते हैं। उनको पता है कि बात सही है कि अगर व्यापार में बढ़ना है, बिजनेस में बढ़ना है, तो एक मालिक ही तो हम नहीं है, बाकी तो सब हम हैं। अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो मालिक को भी बदल सकते हैं या मालिक की आवश्यकता ही ना पड़े। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, परेशान ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको तुरंत ही रिलीफ चाहिए, उनको तुरंत ही आराम चाहिए। ठीक ऐसे जैसे ट्रॉमा में, किसी एक्सीडेंट में सबसे पहले जो व्यक्ति आता है तो उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज लगाई जाती है बिना सोचे समझे, तो उनको ग्लूकोज और उनको फौरन ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उनके साथ में ट्रॉमा है, ऐसा उनको बताया जाता है, क्योंकि नौकरियां नहीं हैं और वो नौकरियां ही करना चाहते हैं। बिजनेस का वो भूल चुके हैं क्योंकि बिजनेस उनके बाप दादा करते थे सम्राट अशोक के ज़माने में और उसके बाद तक, और अभी लगभग 500-600 साल पहले तक सारा बिजनेस वही करते थे, अभी तो वो भूल चुके हैं। तो ले दे के उनको एक ही चीज़ याद रहती है कि हमारे जो अभी के पूर्वज हैं, ताज़ा ताज़ा जो पूर्वज हैं, यानी उनके पिताजी या उनके दादा, बस इतना ही, उन्होंने बाबा साहब की कृपा से नौकरी ली है तो हमें भी मिल जाएगी, मगर नौकरी के रास्ते बंद हैं, तो उनको ताला चाबी पकड़ा दिया है। यानी उनके जैसा ही कोई लड़का उनको सपने दिखाता है जिसको खुद भी नहीं पता कि वो क्या दिखाता है, क्या देखता है, क्या जानता है, तो ताला चाबी का उनको पकड़ा दिया है कि ये ताला खुलेगा, ये चाबी है, तो
तो सारे ताले खुल जाएंगे, तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपको नौकरी दे सकें। अगर आप, पहली बात तो सारे मिलकर ताला चाबी खोल नहीं सकते, क्योंकि जो संख्या आपकी है उससे आप ताला चाबी वाली पोजीशन में नहीं आ सकते, अगर आप सारे भी जीत जाएं तब भी। और अगर आप आ भी गए और आपको ताला चाबी मिल भी गया और आपने ताला चाबी खोल भी लिया, तो अब देश के खजाने में, देश के पैसे में कर्ज ज़्यादा है और आमदनी कम है। और जहाँ आपको ताला चाबी खोलने के बाद नौकरी मिलनी है, वो जगह सारी अब बेच दी गई हैं या बिक रही हैं या प्राइवेट हो गई हैं। तो अगर ताला चाबी आपने खोल भी लिया तो मकान के अंदर अब कुछ नहीं है, मकान तो खाली हो चुका है, बल्कि उसमें तो आपको रंगाई पुताई और फर्नीचर के पैसे देने पड़ेंगे और आपको खुद लगाने पड़ेंगे, तो आप उस ताला चाबी से भी पछताओगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम पूरे भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, धम्मिक भारत बनाएंगे, बुद्ध में बनाएंगे, बुद्ध में बदलेंगे, बाबा साहब ने कहा है। अब बाबा साहब की बात को कौन मना करेगा, क्योंकि अगर बाबा साहब ने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। क्योंकि अगर आप एक ही मत में आ जाते हैं और आप धम्मिक हो जाते हैं, तो धम्मिक कोई रिलीजन नहीं है, तो आप कोई रिलीजियस कंट्री नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि खुद बुद्ध कहते हैं कि ये एक लाइफ स्टाइल है, ये एक गौतम चर्या है, जिसको गौचर्या बोलते हैं, गौचर बोलते हैं, गौतम का चर्या, यानी कि जीवन को अच्छा रखने की चर्या है, जीवन को जीने की चर्या है, तो गौचर्या है, गौचर है। और ये जो गौचर्या है, जो गौचर है, इस गौचर्या चौर से आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप अगर इस पर चलेंगे तो शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चोरी नहीं करेंगे तो आपका मॉरल अच्छा रहेगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो ईमानदारी में आप अच्छा जिएंगे, मांस किसी को जीव की हत्या नहीं करेंगे और हत्या करके मांस नहीं खाएंगे तो आपको मन में पाप नहीं लगेगा, और आप कोई व्यभिचार नहीं करेंगे तो कहीं जेल में नहीं जाएंगे, आपके घर में इज्जत रहेगी, मोहल्ले में इज्जत रहेगी। तो ये सारे काम करने से आपके पास जो अच्छा समय बचेगा, उसमें अगर आपके पास खाना भी कम हो या घर के अंदर लाइट भी कम हो, तो आप पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, कोई काम अच्छा कर लेंगे, कोई बिजनेस खोल लेंगे, कहीं बाहर जा सकते हैं, या ग्रुप बनाकर कोई कोऑपरेटिव बिजनेस भी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री भी खोल सकते हैं। इसके अलावा जो बाबा साहब की सोच थी वो ये थी कि आप इंटरनेशनल हो जाएंगे एक झटके में, क्योंकि दुनिया के सारे देशों से आप मदद मांग सकते हैं जो देश बुद्ध की फिलॉसफी पर चलते हैं। और ना भी अगर बुद्ध की फिलॉसफी पर चलने वाला कोई देश हो, तो बुद्ध की जो रेपुटेशन है, यानी बुद्ध के मानने वालों की जो रेपुटेशन है, वो बहुत अच्छी है। वो ये माना जाता है कि ये लोग चोरी नहीं करते, ये लोग व्यभिचार नहीं करते, ये लोग शराब नहीं करते, ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये लोग हत्या नहीं करते, और ऐसे व्यक्ति को दुनिया में हर व्यक्ति पसंद करता है। क्रिमिनल भी अपनी लड़की की शादी ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहता है, यानी कोई डॉन होगा अगर किसी एरिया का, आपने पिक्चर देखी होगी कि डॉन भी अगर होता है तो डॉन अपनी जो बहन है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहता है, डॉन नहीं ढूंढना चाहता, तो ये फायदा आपको मिलेगा। तो भारत में पहले से ही ये फायदा मिलता है, क्योंकि भारत के लोग जो बाहर जाते हैं उनको भारत के बुद्धमय कंट्री होने का फायदा मिलता है, और लोग इसका फायदा उठाते हैं, उनको आधी इज्जत तो फ्री में वैसे ही मिल जाती है। तो इसलिए उन्होंने, बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप प्रबुद्ध भारत बनाएंगे तो उससे आपका जीवन सुधरेगा, उससे देश सुधर जाएगा, उससे आप समृद्ध हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी मत में जा रहे हैं, ये तो यूनिवर्सल एक लॉ है जिसमें आपको जाना है, और ये यूनिवर्स से आपको जोड़ता है। तो वो काम हो सकता है, मगर उसमें समय बहुत लगेगा। आपको प्रबुद्ध भारत बनाना है तो धम्म की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें समय बहुत लगता है, और लोगों को ये समझाने में कि ये जो प्रबुद्ध भारत है या बुद्ध है, ये रिलीजन नहीं है, इसमें आने का फायदा है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, वो आपका जीवन चलने का तरीका है, मगर धम्म में अगर आ जाते हैं तो आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं फ्री में मिल जाती हैं। तो आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप अगर 30 40 50 साल इसमें लगाएंगे तो 30 40 50 साल तक खाएंगे क्या, और बच्चों को पालेंगे कैसे, तो ये एक समस्या आने वाली है, इसलिए ये बात भी नहीं चल पाएगी तुरंत में। तो जितने भी लोग आते हैं लगभग इन्हीं समस्याओं के आसपास में आते हैं और इन्हीं समस्याओं की बात करते हैं। तो हम सबसे कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा अगर हो कि जिसको लोगों की आवश्यकता ना पड़ती हो और वो लोगों का भला कर दे, हमारा भला कर दे और लोगों को इकट्ठा ना करे, तो वो फार्मूला हमें बता दो। वो फार्मूला सबसे आसान है। अभी तक पूरे मंच पर लगभग 5 महीने हो गए हैं और हजारों लोग आ चुके हैं, किसी भी व्यक्ति ने वो फार्मूला नहीं बताया।
कि लोगों की आवश्यकता ना पड़े और काम बन जाए, यानी ऐसा फार्मूला नहीं बनाया कि लोगों की आवश्यकता जोड़ने की ना हो और काम बन जाए। तो इसका मतलब है कि लोगों को जोड़ना है और जुड़ना भी है। तो वी द पीपल वही कहता है कि जुड़ना है, जोड़ना है, जिद्द है जुड़ने की, जिद्द है जिंदा रहने की, जिद्द है हमारे एग्जिस्टेंस की, एग्जिस्टेंस को बचाने की, अपने अस्तित्व को बचाने की। तो जुड़ेंगे तो अस्तित्व बच जाएगा, जुड़ेंगे तो बच्चे बच जाएंगे, जुड़ेंगे तो अधिकार सारे आ जाएंगे। तो हम कहते हैं, वी द पीपल कहता है कि जब सभी लोग ये कहते हैं कि किसी काम के लिए, विचार के लिए जोड़ना है, तो पहला काम क्या है? लोग कहते हैं उद्देश्य होता है तो लोग जुड़ते हैं, और वी द पीपल कहता है लोगों को जोड़ना ही उद्देश्य है, उद्देश्य है लोगों को जोड़ना ही उद्देश्य है। तो जो बहुत छोटा सोचने वाले लोग हैं, या जो दूसरे की बुद्धि से सोचने वाले लोग हैं, या जो 70 साल से एक ही पैटर्न पर सोच रहे हैं कि जुड़ने के बाद राजनीति में जाएंगे या धर्म में जाएंगे या सरकारी कर्मचारी की नौकरी में जाएंगे या व्यापार में जाएंगे या वो सांस्कृतिक बदलाव करेंगे या वो अलग तरह का लड़कों का कोई तत्पर बनाएंगे, उनकी बुद्धि वहीं तक सीमित है। वो ये भूल जाते हैं कि उनके महापुरुषों ने, अगर हम नाम से कहें तो बुद्ध या बुद्ध जैसे जो लोग पैदा हुए हैं, या जो वज्जी लोग हैं या मगध के लोग हैं या डॉक्टर अम्बेडकर भी कह सकते हैं, उन लोगों ने कोई पहले उद्देश्य नहीं दिया आपको। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये उद्देश्य देता हूँ इसके लिए तुम्हें इकट्ठा होना है या संघ बनाना है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये उद्देश्य देता हूँ इसके लिए तुम्हें इकट्ठा होना है। बाबा साहब कहते हैं शिक्षित होना है, संघर्ष करना है और संगठित होना है। तो शिक्षित होने का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, प्रोफेसर और डॉक्टर बनना नहीं है, पीएचडी करना नहीं है। वो आप जो करते हैं वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, रोजी रोटी खाने की डिग्री है। एक अनपढ़ आदमी भी शिक्षित हो सकता है। बेसिकली शिक्षित का मतलब है शिक्षित, यानी कि जो स्वयं को देखना जानता हो। सदीक्षित, सदीक्षित का मतलब है जो निज को देखना जानता हो, उसको शिक्षित बोलते हैं, और उसको दीक्षित बोलते हैं। दीक्षित का मतलब है देखने वाला, दीक्षा यानी देखने वाला। तो जो दीक्षित हो जाता है यानी दीक्षित हो जाता है, वो देखना जानता है। तो पुराने जमाने में तो कोई डिग्री पीएचडी की कोई ऐसी डिग्री होती नहीं थी, आम लोग थे वो दीक्षित हो जाते थे, उन्हीं को दीक्षित बोलते थे। आज भी दीक्षांत समारोह होते हैं, पर ये बदल गए हैं। अभी ये किताबी ज्ञान पर उस रटे रटाए किसी के ज्ञान को पढ़कर आपको दीक्षित माना जाता है। जैसे मैंने 4 किताब लिख दी फिलॉसफी के ऊपर, बुद्ध की फिलॉसफी मैंने पढ़ी, मैं जानता हूँ, और मैंने अपने शब्दों में बुद्ध का नाम लेके वो 4 अच्छी किताबें उसमें लिख दी, क्योंकि बुद्ध तो मनोविज्ञान के मास्टर हैं, मन के मास्टर हैं, उनसे बड़ा मास्टर तो कोई दुनिया में है नहीं। और वो किताबों को कोर्स में लगा दिया गया और वो आपने पढ़ी, और पढ़ने के बाद में आपने उस पर डॉक्टरेट की, पीएचडी की, और आपको पीएचडी की डिग्री मिल गई। तो आपने अपना क्या पढ़ा? आपने तो मेरा माइंड पढ़ा, मेरा ज्ञान पढ़ा, मेरी जानकारी पढ़ी। तो आप दीक्षित नहीं हुए, आप तो रट्टू हो गए। दरअसल जो आपको किसी किताब में मिला वही आपके लिए है कि आपने वो लिखा इधर उधर से ढूंढ के, और वो एक किताब बनाई और वो लोगों ने पास कर दी। तो आप रट्टू हुए, आप दीक्षित नहीं हुए। क्योंकि कबीर जो थे वो दीक्षित थे, वो दीक्षित थे, उन्होंने इधर उधर से ज्ञान लिया, सहज ज्ञान था उनका, बहुत सरल ज्ञान था। बाबा साहब ने जो किताबें लिखी हैं वो उनकी अपनी है, दीक्षित हैं, वो इधर उधर से रट्टा मार के नहीं लिखी हुई उन्होंने। जो बुद्ध का ज्ञान है वो उनका अपना सहज ज्ञान है, जो उन्होंने खुद खोजा है, खुद जाना है। ये सारी चीज़ें नेचुरल फिनोमेना में आती हैं। इसलिए जितने भी लोग हैं वो ये अच्छी तरह से समझ लें कि बाबा साहब ने जो कहा है शिक्षित होना है, बेसिकली वो नेचुरल शिक्षित होना है। जो किताबें पढ़ के पीएचडी ले लेता है वो भी ले, मगर कंपटीशन ना करे कि बाबा साहब ने इतनी डिग्री ली है तो मैं भी डिग्री लूँगा। बाबा साहब अगर डिग्री ना भी लेते तो भी वो बोधिसत्व थे, क्योंकि बोधिसत्व की जो उपाधि है उनको जो मिली है वो किताबों से नहीं मिलती। वो जो बोध होता है, सत्य का जो बोध होता है, उससे मिलती है, और वो किताबों में नहीं आता। ये जो सारी चीज़ें और ये जो बातें चल रही हैं, इसमें जो आता है कि संघर्ष करना है, यानी कि एजिटेट करना है, तो एजिटेट का मतलब है कि आपको उन चीज़ों के लिए फाइट करना है जो नेचुरल लॉ में आती हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं।
और वो नेचुरल तरीके से ही करनी है। और बाबा साहब ने जो कहा कि ऑर्गेनाइज है, इसका मतलब संघ बनाना है, और ऑर्गेनाइज का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संघ होता है, यानी ओरिजिन की तरफ सारी चीज़ें आती हैं। जो आपका ओरिजिन है, सारी चीज़ें उसकी तरफ बढ़ेंगी, सेंटर की तरफ बढ़ेंगी, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसको संघ बोलते हैं, जब सारे लोग एक सेंटर में आ जाते हैं। ये उनका स्पष्ट था। उसमें कहीं नहीं है इन तीन बातों के अलावा कि आपने ताला चाबी खोलेंगे तभी कल्याण होगा, या आप धम्म में जाएंगे तभी कल्याण होगा, या जब स्कूल में खोलेंगे तभी कल्याण होगा। ये उसके बाई प्रोडक्ट हैं। जब आप शिक्षित हो जाएंगे, यानी समझ जाएंगे चीज़ों को, इस बात को समझ जाएंगे कि जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, जब तक आप एजिटेट नहीं कर सकते, ये बात जब आपको समझ में जा जाएगी, जब आप इतने दीक्षित हो जाएंगे, इस बात को देख लेंगे कि चाहे अनपढ़ हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे कैसे भी हैं आप, चाहे कितनी भी डिग्री आपके ऊपर है, चाहे कितने बड़े आप औंधे पर हैं, चाहे कितना भी पैसा आपके पास है, जब आप देखना शुरू कर देंगे, आप शिक्षित हो जाएंगे, जान लेंगे कि बिना इकट्ठे हुए हमारा संघर्ष नहीं हो सकता, हम जीत नहीं सकते, उस समय आप सही मायने में शिक्षित हो जाएंगे, तब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी जैसे पहले हुई थी। इसलिए कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है अपना सुख, और सुख प्राप्त करने के लिए जो बाबा साहब ने कहा है कि समझदारी आनी चाहिए, यानी शिक्षित होना चाहिए, हमको संघर्ष करना चाहिए, यानी कि हमको गलत बात का प्रतिरोध करना चाहिए, और हमको इकट्ठे रहना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। इन तीन बातों से ही हम कल्याण हो जाएगा हमारा। हमें सारे वॉल्यूम जो पढ़ते हैं अच्छी बात है, हर व्यक्ति को सारे वॉल्यूम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीन बातें सारे वॉल्यूम का पूरा सार होता है, और वही विदा पीपल है। विदा पीपल कहता है कि आप सिर्फ एक धागा पकड़ लीजिए, जुड़ना है और जोड़ना है। तो बहुत सारे लोगों को खतरा हो गया जो संगठन चला रहे हैं, कि अगर लोग आपस में जुड़ गए तो उनके संगठन बंद हो जाएंगे, उनकी नेतागिरी ख़त्म हो जाएगी, उनको जो पैसा मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा, उनको जो प्रसिद्धि मिलती है वो मर जाएगी, उनको जो मान सम्मान मिलता है वो चला जाएगा। वो इस मान सम्मान के आदी हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। अगर उनको बीच की कुर्सी ना मिले, अगर उनको मुख्य अतिथि का सम्मान ना मिले, मुख्य वक्ता का नाम ना मिले, या मंच ना मिले, या माइक ना मिले, या माला ना मिले, तो वो मर जाते हैं। कहीं कार्यक्रम में हो और उनका नाम ना आए कार्यक्रम में, या नाम नीचे रह जाए ऊपर ना आए, तो उनके प्राण निकल जाते हैं। तो ऐसे लोग तो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे शराब का एडिक्ट होता है आदमी, ऐसे ही वो इन चीज़ों के एडिक्ट हो चुके हैं। तो वो एडिक्ट वाले लोग तो मर जाएंगे, मगर किसी भी हालत में वो इकट्ठे नहीं होंगे, ना होने देंगे। मगर अगर आपको जीना है और आपको अपने बच्चे बचाने हैं, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो आप उन एडिक्ट लोगों को एक साथ छोड़ दीजिए, वो अपना कार्यक्रम चलाते रहेंगे, आप उनके कार्यक्रम में जाना बंद कर दीजिए। वो अपना घर मकान बेच के अपना कार्यक्रम लगाते रहेंगे, आप उनको पैसा देना बंद कीजिए। क्योंकि अगर आप उनमें भरोसा रखेंगे, तो फिर आपको संविधान का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि संविधान कहता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान कहता है कि मैं आपको बचा सकता हूँ, बशर्ते आप इकट्ठे होकर मेरे पास आए, क्योंकि मेरे पास में वही ताकत होती है जो आप इकट्ठा होकर मुझे देते हैं। लोग इसको समझ नहीं पाते। तो संविधान कहता है कि देखो, मेरे में से तुम्हारा एक पन्ना निकाल के बाहर फेंक दिया गया, कि मैं अब SC ST एक्ट को लागू नहीं करूँगा। वो पन्ना फाड़ कर उसको सड़क पर डाल दिया। आप सब लोग इकट्ठे होकर आए, तो वो पन्ना फिर दोबारा से मेरे अंदर लगा दिया। आप इकट्ठे होकर नहीं आते, तो मैं उस पन्ने को नहीं आपके लिए संभाल पाता। आप लगातार इकट्ठे रहोगे, तो मेरे जितने पन्ने गायब हुए हैं वो सारे सारे जुड़ जाएंगे। आप इकट्ठे होकर हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो आप जैसा कहोगे, जैसा हुक्म दोगे मेरे आका, मैं ऐसा बोलूँगा, और मैं तुम्हारी सेवा में हमेशा लगा रहूँगा, क्योंकि मैं वी द पीपल से चलता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया मुझे चलाते हैं। आप अलग अलग आओगे, अलग अलग हो जाओगे, तो मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। ये संविधान बिल्कुल स्पष्ट कहता है। संविधान को पढ़कर, संविधान को रटकर, संविधान की पाठशाला चलाकर, संविधान का वाचन कर, संविधान को बांटकर, संविधान के ऊपर संवैधानिक आतंकवाद है कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो संविधान के बारे में कुछ नहीं जानता, और उसको आप कहें कि अनुच्छेद इतने में ये है, आर्टिकल इतने में ये है, एनेक्चर में इतना है, और ये प्रिंसिपल हैं, और ये फंडामेंटल राइट हैं, और ये हमारा प्रीएम्बल है, वो धमकाना होता है। जिस व्यक्ति को संविधान का कुछ पता नहीं है, आप उसको संविधान का जो उद्देश्य है, जो रिजल्ट है, उसको क्रियान्वयन करके दीजिए,
उसको समझाइए मत, उसको पढ़ाइए मत, उसको रटवाइए मत, आप इकट्ठे हो जाइए, वो संविधान है। संविधान वी द पीपल है, यानी उसको जो पावर मिलती है वो वी द पीपल से मिलती है। जितने लोग इकट्ठे होंगे उतना ही भारी संविधान मजबूत हो जाएगा, और आपकी सेवा जैसे एक मजबूत सेवक करता है वैसे आप ही करेगा, क्योंकि संविधान वी द पीपल का सेवक है, संविधान मालिक नहीं है वी द पीपल का। अगर वी द पीपल खत्म हो जाएगा तो संविधान उससे पहले खत्म हो जाएगा, और जब तक वी द पीपल यानी सारे लोग इकट्ठे रहेंगे, संविधान अनंत काल तक भी जीवित रहेगा और मजबूत रहेगा। इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे, बहुत सारे लोग तरीके से आएंगे, और वो आएंगे जो जानकार होंगे, जो जानते होंगे, मगर वो एडिक्टिक लोग हैं, उनको नशेबाज लोग हैं, वो नशा हो चुका है उनको, वो संगठन नहीं छोड़ेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जुड़ो और जोड़ो का सिद्धांत बहुत अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। ऐसा हम भी कहते हैं कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे हम बचेंगे नहीं। तो उनके जो अनुयायी है वो उनको परेशान करेंगे, देखो वी द पीपल वाले लोग तो कहते हैं कि जुड़ेंगे नहीं तो बचेंगे नहीं और सबको साथ आना चाहिए। तो संगठनों के अनुयायी या संगठनों के गुलाम या संगठनों के मूर्ख लोग या संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं जो पैसा देते हैं या संगठनों के जो भोले भाले नासमझ लोग हैं जिनको कार्यकर्ता कहते हैं, वो कहीं नेताओं के चंगुल से, उनके आकाओं के चंगुल से, उनके प्रधानों के चंगुल से निकल के भाग ना जाएं, इसकी चिंता प्रधानों को हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखो चिंता मत करो, हम भी इकट्ठा कर रहे हैं, और वो अपने कार्यक्रम में लगाते हैं समन्वय सहयोग का, जोड़ने का कार्यक्रम, जोड़ो, और वो भूल कर भी नहीं लिखते जुड़ो। जुड़ो और जोड़ो में से जुड़ो उन्होंने खत्म कर दिया, जोड़ो हो गया। यानी वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि देखो हम भी जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखो हमने कार्यक्रम लगाया है जोड़ने का। तो कार्यकर्ता भोला भाला है तो कहता है कि हाँ हमारा जो आका है, हमारा जो प्रधान है, वो बड़ा समझदार हो गया, उसे समझ में आ गया, देखो वो जोड़ने निकला है। अरे भाई किस किस को जोड़ोगे, अगर जैसा 31 लाख संगठन बताते हैं 29 लाख हमारे हैं और उसमें 4 लाख जो संगठन है वो एक्टिव हैं, 4 लाख के 4 लाख ये कहेंगे कि हम 4 लाख संगठनों को जोड़ेंगे तो भाई जुड़ेगा कौन। सारे कहेंगे कि हमने दुकान खोलनी है जोड़ने की कि हम जोड़ेंगे, तो दुकान पर ग्राहक कौन आएगा, भाई जोड़ोगे किसको। तो उन्होंने एक नाटक पैदा कर दिया है कि देखो हम कार्यक्रम लगा रहे हैं, अभी वो संविधान बचाना भूल गए हैं, उनको अपने आप को बचाना याद आ गया, कह रहा है अगर ये वी द पीपल वाले लोग ऐसे ही शोर मचाते रहे तो हमारे तो सारे ग्राहक भग जाएंगे, तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दुकान, अभी संविधान को वो भूल गए, संविधान बच गया बस जितना बचना था, अब अपने आप को बचाओ। तो उन्होंने ये नया काम निकाल लिया। तो जगह जगह आजकल संगठन लग रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं और ऑनलाइन बहुत सारी मीटिंग हो रही है, उनमें सभी कह रहे हैं हम जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, कोई ये नहीं कह रहा कि हम जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे। अरे भाई आपस में जब तुम जोड़ोगे नहीं और लोगों को जोड़ोगे नहीं तो कैसे जुड़ जाओगे। तो ये एक आंख में धूल झोंकने वाला काम ये खुद कर रहे हैं, दरअसल वो आत्महत्या का काम कर रहे हैं। आत्महत्या कैसे, भाई लोग जुड़ेंगे नहीं तो क्या होगा कि लोग बचेंगे नहीं, उनके बच्चे भी मारे जाएंगे, कैसे मारे जाएंगे, उनकी एजुकेशन जिनके पास है उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, आगे बच्चे नौकरी नहीं ले पाएंगे, एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, घर मकान एजुकेशन में बिक जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, फैक्ट्री में कोई काम मिलेगा नहीं, लेबर में कोई काम मिलेगा नहीं क्योंकि मशीनें आ रही हैं, और पावरफुल वो रहेंगे नहीं, सत्ता उनके पास है नहीं, ज़मीन उनके पास है नहीं, बाहर वो जा नहीं सकते, करेंगे क्या। तो वो सारे मारे जाएंगे, भीख भी कब तक मिलेगी, कौन खाना देगा। जब वो सारे मर जाएंगे तो क्या नेता नहीं मरेंगे, नेता भी मरेंगे, क्योंकि जिनके ऊपर नेतागिरी कर रहे हो जब वो सारे लोग ही मर जाएंगे तो नेता भी मरेंगे। तो दरअसल वो नेता आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी हत्या तो कर ही रहे हैं, वो अपनी भी आत्महत्या कर रहे हैं इस राग में कि उनको नेता बने रहना है, इस लालच में, इस अहम में, इस ईगो में, इस एडिक्शन में, इस नशे में, इस बीमारी में, इस मानसिक बीमारी में कि उनको नेता बने रहना है, चाहे दुनिया धसे उधर हो जाए, उनको बीच की कुर्सी चाहिए, उनको पैसा चाहिए पब्लिक से, उनको भाषण चाहिए, उनको वाहवाही चाहिए, उनको तालियां चाहिए, उनको इस बात का चाहिए कि लोग उन्हें मान सम्मान दें, उनकी इज्जत करें कि जी क्या बात है हमारे नेता हैं, ये सब चीज़ें हमें मरवा रही हैं। आप थोड़े से जागृत हो जाइए
और कुछ समय के लिए पैसा देना बंद कर दीजिए सभी संगठनों को। वी द पीपल तो पैसा लेता ही नहीं है। वी द पीपल ने डिक्लेयर किया हुआ है कि वी द पीपल जिंदगी में कभी भी पब्लिक से पैसे नहीं लेगा। वैसे भी वी द पीपल ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता, क्योंकि वी द पीपल जो एक्चुअल यानी फिजिकल मीटिंग लगाता है, तो फिजिकल मीटिंग के नियम है कि सब अपना खाना लेके आएंगे और वो भी पराठे लेके आएंगे अचार के साथ, तो सारे पराठे एक साथ मिला देते हैं, जिसको खाने खा ले, और दो पराठे हर आदमी फालतू लेके आता है कि जो भाई ना लेके आए उसमें से खा ले, संग का खाना है खा ले। पैसे नहीं लेता क्योंकि पैसे का करेगा क्या, एक छोटा मोटा बैनर टांगते हैं, 10-20-50-100-200 रुपए का बन जाता है, कोई भी खर्च कर देता है, अपने पैसे से चल के आते हैं, किसी बड़े आदमी को इन्वाइट नहीं करते जो मंच लगाएंगे, क्योंकि उसमें मंच माला और माइक मना किया हुआ है, बस कहीं भी बैठ जाते हैं। किसी ने फ्री में जगह दे दी तो उसका शुक्रिया है, किसी ने फ्री में जगह नहीं दी तो फ्री की जगह बहुत सारी हैं, कोई पार्क में बैठ जाएंगे, किसी बुद्ध विहार में बैठ जाएंगे, किसी वाल्मीकि भवन में, किसी रविदास भवन में बैठ जाएंगे, किसी डेरे में बैठ जाएंगे, किसी गुरुद्वारे में बैठ जाएंगे, किसी कबीर भवन में बैठ जाएंगे, किसी सतनामी भवन में बैठ जाएंगे, किसी संत गाडगे में बैठ जाएंगे, किसी दुर्बलनाथ में बैठ जाएंगे, तो किसी राम बाबा के में, तो ये सारे सारे जितने भी संत महापुरुषों की जगह है, पंचायत हैं, वो सब फ्री की जगह है, मिल जाती हैं, तो पैसा खर्च नहीं होता। वैसे भी जुड़ने और जोड़ने के लिए पैसा खर्च करने की और पैसे की आवश्यकता क्या है? दरअसल पैसे की आवश्यकता पड़ती है जब आपको शोशेबाजी करनी है, दिखावा करना है, 4-4, 6-6 गाड़ी आपके साथ चलें, 10-20 चेले चंटारे आपके साथ चलें, 10-20 झंडे चलें, 2-4 आदमी कभी कभी गनमैन भी रख लेता है, आजकल सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं बंदूक वाले, वो रख लेता है, कई बार आदमी की माला भी अपनी ही खरीद के रख लेता है गाड़ी में, कि पता नहीं वहाँ माला मिले ना मिले, तो वो खुद ही खरीद देते हैं। वैसे तो वो आज्ञा दे देते हैं कि भाई हम जब आएंगे तो तुमने हमारा वहाँ से लेके वहाँ तक फूल बरसाने हैं हमारे ऊपर, उसके बाद इतनी माला हमारे गले में डालनी है। उनके जो चेले चंटारे होते हैं वो फिट होते हैं, जो उन्हीं की रोटी खाते हैं, वो बड़े ज़ोर ज़ोर से जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अमर रहें, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, ये दुनिया भर के नारे लगाते हैं। आप ध्यान देना, एक दो व्यक्ति होता है वो हर जगह वही नारे लगाता है, वो हायर किया हुआ होता है, उसको नौकरी मिलती है, उसको तनख्वाह मिलती है इस बात की, वो बेरोजगार होता है, दरअसल वो लग जाता है, अपना रोजगार पाता है, ये उसका रोजगार है। वो भाषण देंगे तो पीछे हाथ उठा के कहेगा या तालियां बजाना शुरू कर देगा, ताकि बाकी लोग भी उसका अनुसरण करके तालियां बजाएं। ये उनका धंधा है, उनका बिजनेस है, इसको समझना चाहिए। मंच होगी बहुत बड़ी तो फोटोग्राफर की डिमांड होगी, फोटोग्राफर होना चाहिए, फिर वो अपनी मार्केटिंग करेंगे और इसकी फ़ोटो को और वीडियो को चारों तरफ भेजेंगे। मीडिया भी आता है, जो हमारा लोकल मीडिया है, वो भी बेचारा गरीब है, उसका भी काम धंधा नहीं है, वो सब अपना काम धंधा चलाता है, तो उनको कुछ मिल जाता है तो उनकी वीडियो बना के प्रमोट कर देता है, उनकी मजबूरी है। तो वो वीडियो भी जब आप देखते हैं तो समझिए कि ये जो वीडियो अगर किसी व्यक्ति को प्रमोट कर रही है, तो उस बेचारे की जो यूट्यूबर है उसकी मजबूरी है, उसे करना पड़ रहा है, वरना उसका परिवार नहीं चलेगा। अच्छा है, चलो उसका परिवार चलता है, मगर आप समझदारी से देखिए कि दोनों काम हो जाए, उसका परिवार भी चलता रहे और आप समझ भी जाएं क्या आपने देखना है क्या नहीं देखना है। तो ये सारी उनकी मजबूरी और बीमारी होती है, जो मानसिक बीमारी है, इसमें हम मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। अब समय नहीं है, अगर आप अभी नहीं समझे, नहीं चेते, तो बात खराब हो जाएगी। तो वी द पीपल कहता है कि जहां आप हैं वहीं से काम शुरू करें, अपने घर को दफ्तर बना लें, आज जहां आप रहते हैं वहीं लोगों को समझाएं। एक ही बात समझानी है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद्द है जुड़ने की। पहले भी जुड़े थे तो जीत गए थे, अभी भी जुड़ेंगे तो जीत जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो मारे जाएंगे। जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। जहां जहां जुड़ेंगे, दफ्तर में जुड़ेंगे दफ्तर में जीतेंगे, मजदूरी में जुड़ेंगे मजदूरों में जीतेंगे, राजनीति में जुड़ेंगे राजनीति में जीतेंगे, धर्मों में जुड़ेंगे धर्मों में जीतेंगे, और ये जो लड़कों के दलबल हैं अगर ये जुड़ेंगे तो ये जीतेंगे। जो जितने भी सांस्कृतिक समारोह करने वाले या सांस्कृतिक काम करने वाले जो संगठन हैं वो जुड़ेंगे तो संस्कृति चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे जुड़ेंगे, महिलाएं जुड़ेंगी तो महिलाएं जीतेंगी, वैसे वैसे जीतेंगे। तो जीतना है अगर आपने और जिंदा रहना है, तो पहली और आखिरी शर्त है कि आपको जुड़ना पड़ेगा। और देखिए ध्यान से कि इस जुड़ने के बीच में कितनी सारी बाधाएं आती हैं। सबसे पहली बाधा जो आएगी वो आपका लोकल लीडर आएगा, वो जिस संगठन में आप काम करते हो उसका नेता आएगा, उसके लोग नहीं आएंगे। आप इस बात को नोट कर लेना, इस बात को देख लेना कि वो 50 बातें दाएं बाएं की करेगा, मगर ये नहीं कहेगा कि सबको जुड़ना चाहिए और मैं सबके साथ जुड़ना चाहता हूँ। और आपने दबाव डाला तो कहेगा जी कि मैं सबके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मगर उसकी शर्त ये रहेगी कि सब आ जाएं मेरे पास में, वो कहीं नहीं जाएगा।
और वो अगर कहीं जाएगा भी तो आपको ये कहेगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मगर उन लोगों ने ऐसी बात ऐसी शर्त रख दी कि मैं नहीं मान सकता। ये सब लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, जितने भी ये नेता हैं, जितने भी ये छोट भैये हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे को बचा रहे हैं कि ताकि उनके संगठन और उनकी पोजिशन बची रहे। उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, वो नहीं चाहते कि हमारा भला हो। अगर वो ये चाहते कि हमारा भला हो तो 2 अप्रैल 2018 को वो सारे इकट्ठे आते, और 2 अप्रैल 2018 की तो बात छोड़ो, जैसे 2 करोड़ सिख एक साथ रहते हैं वैसे वो इकट्ठे आते तो अब तक हमारे सारे अधिकार बच जाते। उनको भी पता है, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, मगर वो ये कहते हैं कि नेता मैं रहूँगा तब इकट्ठे हो जाओ, और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा जो हमारे नेता हैं, अगर वो नेता बने रहना चाहते हैं। और वरना तो बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा कि इकट्ठे होने के लिए नेता की आवश्यकता है। इकट्ठा होने के लिए किसी नेता की आवश्यकता नहीं होती, किसी नेता की जरूरत नहीं होती। बुद्ध ने साफ कहा है कि मेरे मरने के बाद धम्म जो है वो रास्ता दिखाएगा। ऐसे बाबा साहब का संविधान हमें रास्ता दिखाएगा, वही हमारा नेता है, वही हमारा नेता रहेगा। और हमारा उद्देश्य है इकट्ठा होना और सारे अधिकार प्राप्त करना। धन्यवाद।